और कितनी मजबूत होगी टाइगर और सारा की जोड़ी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगवाल और आप सब देख रहे हैं बॉडीगार्ड्स। सभी जानते हैं कि मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है बागी 4 को लेकर और अब जल्दी ये फिल्म हमें देखने को भी मिलेगी। हालांकि मेकर्स ने ये कहा है फिल्म की शूटिंग एक बार टाइगर के दूसरे प्रोजेक्ट से फ्री हो जाने पर ही स्टार्ट होगी। साजिद नाडियावाड़ के बैनर तले अब तक बागी 4 की 3 फिल्में आ चुकी और अब नाडियावाड़ चौथे सीक्वल की भी तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है ये शायद आखिरी सीक्वल हो सकता है, पर इस बात पर भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। पर अगर बागी 4 सच में आखिरी सीक्वल होती है तो यकीनन इस बार कुछ अच्छा इरादा करने का होगा मेकर्स का, और साथ ही हम एक अच्छी एंडिंग भी देख सकते हैं। इस बार भी बागी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी की यही खासियत है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं अगर हम फिल्म के रिस्पॉन्स की बात करें, वैसे तो दर्शकों के हाथ में ही, पर मेकर्स के लिए फिल्म को एक हिट फिल्म में बदलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि फ्रेंचाइजी की पहली और दूसरी फिल्म को भले ही सबने देख लिया था, पर लगातार आ रही सीक्वल और उसके साथ वही सेम स्टोरी लाइन सब बोर हो जाती है। अब सभी को पता चल चुका है कि आगे क्या ही होने वाला है, इसलिए मेकर्स को कुछ अलग करना ही होगा। अगर वो उसी तरह की फिल्म बार बार देते रहेंगे, कोई भी अपनी मेहनत की कमाई के पैसे ऐसे फिल्मों पर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए बागी 4 अगर कुछ खास इस बार लेकर नहीं आती तो जरूर ही इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पर साजिद नाडियावाड़ कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, उन्हें पता है कि किस तरह के रिव्यूज उन्हें मिल रहे हैं और उनकी फिल्म को लेकर। खैर, बागी 4 हिट भी साबित हो सकती है अगर मेकर्स अपनी पिछली फिल्मों की गई गलतियों को सुधार लें। खैर, सोचने वाली बात यह है कि क्या टाइगर ने बागी 4 को लेकर हाँ बोलकर खुद के करियर को रिस्क में तो नहीं डाल दिया, क्योंकि उनकी अभी हाल ही में हीरोपंती 2 भी फीकी रही थी। उस फिल्म को भी नाडियावाड़ ने ही बनाया था। वहीं बागी 3 भी कुछ खास कमल नहीं कर पाई थी। देखा जाए तो टाइगर को इंडस्ट्री में बने रहने के लिए हिट फिल्म की तलाश। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर किसी टैलेंट की कमी है, वो जितने अच्छे तरीके से बिना कोई खास स्पेशल इफेक्ट्स के परफॉर्म करते हैं अपने स्टंट्स, वो सच में काबिले तारीफ। वहीं उनकी फिटनेस भी एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर, पर अगर वो कोई अच्छी फिल्म नहीं करेंगे तो उनका ये सारा टैलेंट वेस्ट हो सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं या फिर उन्हें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा तो आप बहुत ही जल्द भुला दिए जाएंगे। वहीं टाइगर श्रॉफ को लेकर हमेशा एक्शन फिल्म करवाने के लिए मेकर्स उन्हें बैन कर देते हैं और उन्हें किसी दूसरे जॉनर की फिल्म करने से लिमिट कर दिया जाता है। यही कारण है दर्शकों के सामने उनकी इमेज ही बन गई, जिसमें लोगों को लगता है वो सिर्फ एक्शन सीन्स के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए टाइगर को दूसरी तरह की फिल्म में और किरदार को अपनाना चाहिए। खैर, बागी 4 में सारा और टाइगर की जोड़ी नजर आने वाली है। मेकर्स को उम्मीद है ये जोड़ी कुछ खास दिखाने के काबिल है, क्योंकि जोड़ी पहली बार साथ नजर आने वाली है, इसलिए फैंस को भी कुछ अलग देखने को मिल सकता है। सारा का एग्जैक्ट किस तरह का किरदार होगा अभी उसकी उतनी डिटेल सामने नहीं आई, सिर्फ इतना ही पता है कि वो टाइगर की लव इंटरेस्ट के तौर पर नजर आने वाली। बाकी इस जोड़ी में क्या कमाल देखने को मिलता है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और आज की ये हमारी स्क्रिप्ट लिखी है ख्याति, धन्यवाद।